आसनसोल के वार्ड संख्या 40 अंतर्गत मुर्गासोल इलाके में आज एक अवैध निर्माण को तोड़ने गए आसनसोल नगर निगम अधिकारियों को स्थानीय लोगों के विक्षोभ का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इस दौरान यहां हाथापाई जैसी स्थिति बन गई और तोड़ने पहुंचे अधिकारियों की स्थानीय लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई। जानकारी के अनुसार मुर्गासोल स्थित एक बिल्डिंग में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने आसनसोल नगर निगम में शिकायत की थी कि उनके दुकान के सामने बड़ी दीवार खड़ी है और इस वजह से उनके व्यवसाय में उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस आवेदन के बाद नगर निगम के अधिकारी जब इस अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंचे तो फ्लैट में रहने वाले लोगों ने ही इस निर्माण को तोड़ने का विरोध किया। इस दौरान निगम अधिकारियों और फ्लैट में रहने वाले लोगों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल हुआ। हंगामे के बाद आखिरकार निगम अधिकारियों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। अभी बात हुई है, इन लोगों का प्रोटेक्शन हुआ है, ये लोग 4 दिन का टाइम मांग रहे हैं और 4 दिन के बाद बोले कि हम लोग स्टे ऑर्डर कर लेंगे या जो भी होगा प्रावधान एक जगह पर आ जाएंगे, हम लोग को 4 दिन का टाइम दिया गया है। अगर 4 दिन के बाद इन लोगों के पास कोई काम नहीं होगा तो टूटेगा। हम लोग जो है हाईकोर्ट का डिसीजन का ओबे करेंगे, जो ऑर्डर है वो हम लोग पालन करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। कुछ मरीज लोग आकर के, कुछ पेशेंट हैं, कुछ इस तरह की बात है कि हम लोग जो है इमिडिएटली थोड़ा सा असमर्थ हो पा रहे हैं। उन लोगों का बहुत जोरदार प्रोटेक्शन है, अगर ये लोग कोई ऑर्डर इस तरह का प्लेस नहीं करेंगे तो हम लोग 4 दिन के बाद आकर के फुल वर्किंग डे। सर, ये जो दीवार खड़ा किया गया, क्या इलीगल तरीका से दीवार किया गया? इलीगल तरीका से कॉर्पोरेशन के पास, कॉर्पोरेशन के पास यहाँ सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, उसका एक ऑर्डर है जो आप देख सकते हैं, है ना, ये ऑर्डर है उसका। हम लोग जो है उस हिसाब हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग का आज का डेट फिक्स हुआ था तोड़ने का। इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट कर दी 4 दिन का और हमको टाइम दिया जाए 4 दिन का। इस तरीके से ड्रेन पर कोई भी चार दीवारी खड़ा कर सकता है क्या सर? देखिए, ये तो पूरी तरह से जो है म्यूनसिपैलिटी के रोड पे तो कोई चार्ज वाली नहीं, इसलिए तो हुआ है। इसलिए ऑर्डर क्यों, मतलब तोड़ने का डिमोलिशन का क्यों ऑर्डर हुआ है? गलत हुआ है इसलिए ऑर्डर हुआ है, उसका हम लोग जो है पालन कर रहे हैं। हमरा होल स्टील फैमिली ने समस्त जिला ट्रेडमिल আমরা যে আন্দোলনের উপরেখা তৈরি করেছি, বিভিন্ন সময় 70টা আন্দোলন করেছি, গণকনভেনশন, মানববন্ধন, ক্রীড়া জগতের মানুষকে নিয়ে, সাংস্কৃতিক জগতের মানুষকে নিয়ে, সাংবাদিক বন্ধুদেরও চাইছি, নয় আইনজ্ঞদের চাইছি, সাধারণ মানুষ শ্রমিক পরিবারদের চাইছি, সমস্ত স্তরের ট্রেডমিলগুলোকে চাইছি, কোনো ছুট বাদ নেই। আগামী দিনের আন্দোলন আজকে যে জমায়েত করছি তাতে আমরা ধর্মঘটের নোটিশ দিচ্ছি, যে ধর্মঘটটা 14 দিন পর স্টিপুলেটেড পিরিয়ডের পর যে কোনো দিন করবো, এবং সেদিন আমরা চাইব সালেম এবং বিআইসেলকো একসাথে পেতে, প্লাস অন্যান্য স্টিল প্ল্যান্টগুলিতেও 2 ঘন্টা করে টুল ডাউন। সেদিন অর্থাৎ টাউনশিপের জল যাবে না 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টার মধ্যে পাওয়ার থাকবে না। অর্থাৎ দুর্গাপুরের শ্রমজীবী সমস্ত স্তরের মানুষ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, এমনকি রিটায়ারমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যারা, তারাও এই কারখানাকে বিলগ্নিকরণ বেসরকারীকরণ করতে দেওয়া হবে না। এবং ধর্মঘট শুধু একদিনে ধর্মঘট করে দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যাব না, লাগাতার দুর্গাপুরের বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তো সে আন্দোলন রেল রুকও হতে পারে। তো আন্দোলন ক্রমশ আক্রমণাত্মক হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওই সিদ্ধান্ত, এবং দুর্গাপুরের যে গরিমা, দুর্গাপুরের যে ঐতিহ্য, দুর্গাপুরের যে রাজনৈতিক সচেতন শ্রমজীবী মানুষের শক্তি, অতীতেও দেখেছে দুর্গাপুরের শক্তি, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি, ভারতবর্ষের সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অন্যান্য রাজ্য সরকার, সেই শক্তি প্রদর্শিত হবে আমাদের শ্রমবন্দী শ্রমিক বন্ধুদের নিয়ে। এবং আমরা আশা করছি যত তারা দলিত গতিতে নামার চেষ্টা করবে আমাদের আন্দোলন আরও আক্রমণাত্মক হবে।